आपको बता दें कि पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचरा के 112 के सिपाही महेश चंद्र ने सूझबूझ से काम लेते हुए एक महिला को पीएससी जटका लेकर निकले थे। कुछ ही देर बाद उस महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। 112 के इस टीम ने सूझबूझ के साथ काम लेते हुए गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर दो महिलाओं के द्वारा 112 में ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। उसके पश्चात 112 की टीम ने उन्हें जटका स्वास्थ्य केंद्र सफलतापूर्वक पहुंचाकर धैर्य का परिचय देते हुए सकुशल पहुंचाया। आपको बता दें कि हमने महेश चंद्र से बात की कि हमने ग्राम पंचायत पचरा से एक महिला की डिलीवरी हेतु जटका स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। तत्पश्चात उस महिला का दर्द 112 में ही होने लगा। हमने दो महिला के सारे उस महिला को 112 में ही सफलतापूर्वक डिलीवरी होने के लिए गाड़ी खड़ा किया था। 112 के स्टाफ ने उस महिला को सफलतापूर्वक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इस सिपाही ने बहुत ही धैर्य के साथ जो महिलाओं के सहारे जो काम किया है उनके काम को सराहा जा सकता है। इस सिपाही को उनके परिवार ने धन्यवाद दिया, कहा कि आज भी हमारे ऐसे सिपाही हैं जो मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्र जिस क्षेत्र से उस महिला को लाया गया था वह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है, फिर भी इस सिपाही ने वहां पहुंचकर उस परिवार की मदद से बहुत ही उदारता का काम किया है। उन परिजनों से पूछने पर उन्होंने इस सिपाही को बहुत ही नेक कार्य करने के उन्हें सहृदय से धन्यवाद भी दिया। नाम महोदय आपका? महेंद्र कुमार चंद्रा। क्या हुआ यहाँ पे, कहाँ से ला रहे थे? प्रेगनेंसी का केस मिला था। अच्छा, हॉस्पिटल ले जा रहे थे इलाज के लिए। अच्छा, अभी रास्ते में ही डिलीवरी हुआ है, गाड़ी अंदर ही। अच्छा, सुबह अंदर ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय कुमार लकड़ा। अच्छा, कहाँ से ला रहे हैं आप? ये अपना पचरक पूर्व भाटा से। अच्छा, कहाँ ले जा रहे थे? जटगा हॉस्पिटल। अच्छा, तो क्या हुआ, गाड़ी खड़ी है? डिलीवरी केस था, उनका दर्द तेज हो गया तो गाड़ी को साइड में रोक दिया, तो गाड़ी में ही हो गया। बहुत के लिए कैमरामैन गेंदपाल मरकाम के साथ नंद यादव की रिपोर्ट।